नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। दिग्गज गायिका लता मंगेशकर ज्यादा फिल्में नहीं देखती, लेकिन उन्होंने बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी की पहली फिल्म धड़क देखी। उन्होंने कहा, श्रीदेवी के जाने के बाद उनकी बेटी की फिल्म बोनी के लिए मुस्कुराने की वजह है। जाह्नवी बहुत प्यारी है, मैं उसके लिए गाना गाना पसंद करूंगी। आपको बता दें कि लता मंगेशकर ने श्रीदेवी के लिए कई सुपरहिट गाने गाए। श्रीदेवी लता जी के बेहद करीब रही है। जाह्नवी की फिल्म धड़क इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। फिल्म ने 3 दिनों में महज 33 करोड़ की कमाई की है, जो जाह्नवी के लिए काफी बड़ी बात है। वैसे जाह्नवी के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि लता मंगेशकर उनके लिए गाना गाना चाहती है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा, क्या लता मंगेशकर जाह्नवी की फिल्म के लिए कोई गाना गाएगी? अगर हाँ, तो फैंस को लता दीदी के उस गाने का बेसब्री से इंतजार होगा। इतना ही नहीं, लता मंगेशकर ने शादी के बाद अभिनेत्रियों के काम करने पर भी बात कही। उन्होंने कहा कि एक समय था जब शादी के बाद अभिनेत्रियां काम नहीं करती थी या बहुत कम काम करती थी, लेकिन शुक्र है वो दिन खत्म हो गए। बहरहाल हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।